इस मॉड्यूल में हम एनिमल सिस्टमैटिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे एनिमल सिस्टमैटिक्स क्या है एनिमल सिस्टमैटिक्स के अंदर हम एनिमल के डिफरेंट ग्रुप्स को अरेंज करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि इनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है जब तक एनिमल्स को अरेंज ना किया जाए तो इसकी क्लासिफिकेशन भी नामुक नामुकम्मल रह जाती है आइडली इन ग्रुप्स के अंदर क्या होता है एक एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ है और बाकी सारे उसके डिसेंडेंट्स हैं यानी एक एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ और बाकी सारे डिसेंडेंट्स इनको किस तरह से हम अरेंज करेंगे इसको हम कहते हैं एनिमल सिस्टमैटिक्स और इस तरह के ग्रुप्स जो हैं उनको हम कहेंगे मोनोफाइलेटिक ग्रुप और मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स में एनिमल सिस्टमेटिक्स में एक और अनदर टर्म है जिसको हम कहते हैं करैक्टर करैक्टर क्या होता है करैक्टर वो होता है जिसके अंदर कोई भी चीज़ जो है उसकी जेनेटिक बेसिस होती है और उसको हम मैयर कर सकते हैं जिस तरह से आप ये देख लें कि कोई भी जानवरों का एक अनाटमी का फीचर है जिसको हम कहेंगे कि लाइक डीएनए है आरएनए है इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं उनकी तरतीब क्या है इसको हम कहेंगे ये उसका करेक्टर है दूसरा है पोलीफाइलेटिक ग्रुप्स पोलीफाइलेटिक ग्रुप्स इनके वो मेंबर्स हैं जिसको हम एक दूसरे के साथ सेपरेट एंसेस्टर से भी ट्रेस आउट कर सकते हैं मोनोफाइलेटिक ग्रुप में एक एंसेस्टर होगा पोलीफाइलेटिक ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा एनसेस्टर होंगे और तीसरा है पैराफाइलेटिक ग्रुप्स इस पैराफाइलेटिक ग्रुप्स के अंदर इंक्लूड कुछ इंक्लूड होंगे ग्रुप्स लेकिन इसके अंदर सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो एक ही लीनी एज के साथ कनेक्टेड नहीं होते यानी कुछ मेंबर्स लीनी एज के साथ कनेक्टेड हैं और कुछ मेंबर्स जो हैं वो लीनी एज के साथ कनेक्टेड नहीं अब एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स जो है जानवरों की क्लासिफिकेशन में सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है समटाइम्स हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक नॉलेज की असेसमेंट की बहुत ही ट्रेडिशनल अप्रोच है और इसकी बेसिक एजम्पन्स जो है वो क्या है कि ये देखा जाए कि मुख्तलिफ जानवर किस तरह से एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड हैं और किस तरह से डिस्टेंटली ये ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं और एक दूसरे के साथ डिफरेंट्स होते होमोलॉगीज़ होमोलॉगीज़ क्या होंगी दीज आर द रिजेंबलेंसिस दैट रिजल्ट फ्राम कॉमन एंड सेस्टर एंड दे आर हेल्पफुल इन दी क्लासीफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म्स दूसरी टर्म जो कि इससे मुख्तलिफ है वो है एनालोग एनालोग जो हैं इनके अंदर सिमिलर एवोल्यूशनरी प्रेशर है और मुख्तलिफ़ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फिर उसके साथ आहस्ता आहिस्ता सेपरेट होते गए और मुख्तलिफ इन्वामेंट में अपने आप को अडेप्ट करते और जो दूसरे वाला एनालॉगिस का प्रोसेस है इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दूसरी टर्म जो कि एनिमल सिस्टमेटिक्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको हम कहते हैं नुमेरिकल टेक्सोनॉमी नुमेरिकल टेक्सोनॉमी टेक्सोनॉमी की सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है जिसकी स्टडी जो है 1955 से लेके 1960 में इसकी स्टडी का आगाज़ हुआ और इसके बाद जो है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो नूमेरिकल टेक्सोनमी के फाउंडर्स थे उनका ये ख्याल था कि जो डिफरेंट टेक्सा जानवरों के अंदर मौजूद हैं दे आर टू आर्बिट्ररी और वेग हैं अगर इनको नूमेरिकल टेक्सोनमी से हम रिलेट करें तो बहुत से ऐसे टैक्सा होंगे जिनका आपस में कोई भी ताल्लुक नहीं होगा नूमेरिकल टेक्सोनोमी को जो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं नुमेरिकल टेक्सोनिस नुमेरिकल टेक्सोनोम तब से लेके आज तक एग्जिस्ट करते हैं लेकिन आजकल इन नुमेरिकल टेक्सोनिस्ट ने मैथमेटिक्स और कंप्यूटर को बेस बनाते हुए बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे भी ईजाद कर लिए हैं कि जिनको कैलकुलेशन की बजाय मैथमेटिकल मॉडल्स और कंप्यूटर एडिड टेक्निक से एनिमल के सैंपल लेकर उनकी सिमिलैरिटी को असेस कर लिया जाता है ये ख़ास तौर पे जोलोजी की रिसर्च में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है इसमें होमोलोगीज और एनालोग को हम एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स इसको हम कहते हैं क्लैडिस्टिक्स क्लैडिस्टिक्स भी एनिमल क्लासिफिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच है जिससे एनिमल की सिस्टमेटिक्स को स्टडी किया जा सकता है अब क्लैडिस्टिक्स का मकसद क्या है क्लेडिस्टिक्स हमें नॉर्मली ये बताते हैं कि एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स में डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स को किस तरह से सिमिलेरिटिक्स के इंडेक्स के बेस पर एक्सप्लेन किया जा सकता है नॉर्मली जो इसके अंदर हाइपोथेसिस हैं वो हमें ये बताते हैं कि ऑर्गेनिज़म्स के मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स के, के दरमियान क्या रिलेशनशिप है क्लैडिस्टिक्स इसके अलावा हमें ये और भी बताता है कि जानवरों के अंदर क्लासिफिकेशन के एनालिसिस के टेस्टिंग के साइंटिफिक के टूल्स को और जो मुख्तलिफ टूल्स हैं उनको मज़ीद हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जानवरों के एवोल्यूशनरी लीनिएज जो है उस तक पहुँचा जा सके जो नॉर्मली हम जानवरों को असेस करने के लिए जो चीज़ लेते हैं उसको हम कहते हैं कैरेक्टर कैरेक्टर क्या होगा जिस तरह से कोई भी ऑर्गेनिज़म है उसके लेंथ हेड जो हेड है उसकी लेंथ हेड की विड्थ उसकी एबडामन की जो है लेंथ uh, विड्थ तो ये जो है इस तरह से कोई एक कैरेक्टर होगा और इस कैरेक्टर को फिर हम कह देंगे कि ये कैरेक्टर्स जो हैं दे आर नॉर्मली सिम्फली सिम्फिलियोमॉर्फिस ये कैरेक्टर्स जो हैं किसी भी ग्रुप के मेंबर्स के दे आर नॉर्मली सेट टू बी सिंपली मॉर्फिजी सिंपली मोर्फेजीज जो है ये एक ग्रीक वर्ड है इसमें सिंफ का मतलब है टुगेदर प्लीसियो का मतलब है नियर मॉर्फ का मतलब है फॉर्म कि इसके डिफरेंट फॉर्म्स जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ लिंक्ड है इसलिए इस टर्म को हम कहते हैं सिम्प्लीसियो मॉर्फिस अब हमने कैरेक्टर्स की बात की उसको मैंने आपको एक एग्जांपल देके भी बताया कि ये जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं नॉर्मली ये एक सिंगल औरिजन से आते हैं और उस सिंगल औरिजन को हम कहेंगे ये उसका है कॉमन एंडसेस्टर्स और ये कॉमन एंडसेस्टर्स के अंदर फिर एक और करेक्टर्स निकलते हैं उनको हम कहते हैं डिराइव्ड करेक्टर्स एक होगा मेन कैरेक्टर और जो दूसरा उससे निकलेगा उसको हम कहेंगे ये उसका है डिराइव्ड करैक्टर या सिन एपोमॉर्फिस सिम एपोमॉर्फिस भी एक ग्रीक वर्ड है सिन का मतलब है टुगेदर एपो का मतलब है अवे और मॉर्फी का मतलब है फॉर्म अब टेक्सोनी में एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है जिसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे वो है टेक्सा टेक्सा का क्या मतलब है टैक्सा जो है ये नॉर्मली दिस शेयर्स सर्टन सिन एपोमॉर्फिक फॉर्म और उसके अंदर फिर एक और सबसेट होता है जिसको हम कहते हैं क्लैड क्लैड का मतलब है कि ये टैक्सा की अगली ब्रांच अब इस फाइलोजेनेटिक ट्री पे हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया इसके अंदर आप ये देखें कि डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं डिफरेंट जो है वो क्लैड्स हैं डिफरेंट इसके अंदर उनकी अरेंजमेंट्स हैं ब्रांचिज हैं सब ब्रांच हैं कैरेक्टर्स हैं और इस सारे ट्री को हम कहेंगे फाइलोजेनेटिक ट्री फाइलोजेनेटिक ट्री मीन्स एक एंड है और उसकी आगे फिर डिफरेंट ब्रांचेज हैं और इससे को हम डेंड्रोग्राम भी कह देते हैं डेंड्रोग्राम भी किस पे बेस करता है मुख्तलिफ़ करेक्टर्स पर बेस कर तो फाइलोजिनेटिक ट्री जो है किसी भी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को या एंडसेस्ट्रल एवोल्यूशन को समझने के लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्री है एंड दिस इज़ आल्सो सेड टू बी आ फाइलोजिनेटिक ट्री ऑफ लाइफ